जो हमेशा कुछ दिनों पहले तक भी कभी रामचरितमानस को लेकर कभी कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा अपने एक अलग एंगल जो क्रिएट करते रहते, जो शायद भूल गए कि उनके कार्यकाल में उनको छात्रों या छात्राओं के बारे में जो सोचना चाहिए था वो तो उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, आप 15 साल पहले जो प्रोफेसर थे आज भी आप वहाँ से भी आप अपना सैलरी उठा रहे हैं और साथ में आप एक विधायक है, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप दोनों जगह से आप अपना सैलरी और आप अपना सुख कैसे भोग सकते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार में रहने से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि ऐसे भी होता है, और जबकि आप एक बहुत ही एक एसेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिहार सरकार में है जिसको हम लोग बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने भी बड़ा हमला कर दिया और कहा कि जो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर कुछ भी बेकार की टिप्पणी कर रहा था, अब मामला का खुलासा हुआ है। क्या बिहार सरकार के संरक्षण में ऐसा हो रहा था? क्या उन पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर पर यह आरोप लग रहा है कि 15 साल से वो प्रोफेसर के पद पर हैं और एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, फिर भी 15 साल से सैलरी उठा रहे हैं जबकि वो लगातार विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री पहले बन चुके हैं, इस वक्त भी शिक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद कॉलेज एक दिन न जाना और सैलरी 15 साल से लगातार उठाता रहना एक तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, घोटाला का मामला है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी। बिहार में जब चारों तरफ एक दंगे का माहौल है, उसके बीच अचानक से हमारे शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, जो हमेशा कुछ दिनों पहले तक भी कभी रामचरितमानस को लेकर कभी कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा अपने एक अलग एंगल जो क्रिएट करते रहते, जो शायद भूल गए कि उनके कार्यकाल में उनको छात्रों या छात्राओं के बारे में जो सोचना चाहिए था वो तो उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, आप 15 साल पहले जो प्रोफेसर थे आज भी आप वहाँ से भी आप अपना सैलरी उठा रहे हैं और साथ में आप एक विधायक है, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप दोनों जगह से आप अपना सैलरी और आप अपना सुख कैसे भोग सकते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार में रहने से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि ऐसे भी होता है, और जबकि आप एक बहुत ही एक एसेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिहार सरकार में है जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ आप एक सरकारी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना होता है। मतलब आप ये लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई हम अभी एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन मैं 15 साल पहले मैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर था या फिर अभी भी हूँ, तो इसीलिए आपने सिर्फ वो प्रोफेसर माने बनने के लिए जो वेतन होना चाहिए कहीं वो तो नहीं अभी भी आप उठा रहे हैं। आई एम श्योर इस पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अगर दोबारा मालूम नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग इस पे शांत बैठेंगे। तो काइंडली इसका कम से कम उत्तर दें, क्योंकि आपका हमेशा रामचरित मानस के ऊपर टिप्पणी सुन सुन के हमारे तो कान पक गए। नाउ यू नीड टू आंसर कि आप इस ढंग के हरकत एक इतने रिस्पॉन्सिबल जगह पे रह के आप क्या छवि दिखाना चाहते हैं युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, कि भाई ऐसा ही करके अगर चलता रहा तो सोचिए आप जिस जगह पे आप 15 साल पहले आप जहाँ पे प्रोफेसर थे उस जगह पे आज तक आप गए नहीं। लास्ट शायद आपने 1995 या 1996 में आपको पाया गया था वहाँ पे, और आपका वहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं है, लेकिन आपको सैलरी आपको पूरी आ रही है और दोनों हाथ में लड्डू लेके आप बैठे हुए हैं। तो आई एम श्योर इस बार ऑनरेबल सीएम उनके इस्तीफा की मांग करेंगे, नहीं तो आई एम श्योर कि इस बार भी आपको युवा जो आपसे ऑलरेडी नाराज हैं, और जैसे कि आप सीटेक बीटेक बोलिए या फिर कोई भी बाकी चीज़ों का अभी तक समस्याओं का समाधान जिस ढंग से करना चाहिए आप नहीं कर पाए, इस पे भी आपको जवाबदेही तो देनी होगी। तुषार तौर पर अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है, और अगर ये आरोप साबित हो जाता है, अगर ये आरोप सही है, तो फिर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि उनसे नीतीश कुमार इस्तीफे की मांग कर दें, क्योंकि नीतीश कुमार उन पर पहले से ही नाराज़ हैं, क्योंकि हालांकि उस नाराजगी को पाटने की कोशिश की गई थी जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भीड़ में नीतीश कुमार के पैर छुए थे, कहा गया कि ये शिक्षा मंत्री का नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है,
लेकिन अब जब इतने बड़े मामले में प्रोफेसर चंद्रशेखर फंसते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर अब इस्तीफा का दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो भविष्य गर्भ में है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।